इस वीडियो में हम 10 ऐसे सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस जानेंगे जिससे शायद आपका इंग्लिश कुछ इंप्रूव हो सकता है। आपकी मर्जी, आप लास्ट तक देखिए। सीखना चाहते हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, स्ट्रेन द टी, इसका मतलब होगा चाय छान देना। अगला है बॉयल अप द मिल्क, दूध उबाल दो। किसी को कहते हैं ना दूध उबाल दो, हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं बॉयल अप द मिल्क, और धीरे धीरे आप यूज कीजिएगा तो इंग्लिश सीखने लगिएगा। टर्न डाउन द हीट, आँच धीमा कर दो। टर्न डाउन द हीट, आँच धीमा कर दो। मिल्क हैज टर्न सोर, दूध फट गया। कहते हैं ना दूध फट गया, तो मिल्क हैज टर्न सोर। आगे देखिए, पील द पोटेटोज, आलू छील दो। पील द बनानास, केला छील दो। तो पील द ऑनियंस, प्याज छील दो। पील द ऑरेंज, नारंगी छील दो। तो आप एक सेंटेंस से देखिए बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। पॉप ऑफ, भरास निकालना, भरास निकालना को बोलते हैं पॉप ऑफ। गड़बड़ करना, इसको बोलते हैं मेस अप। गड़बड़ करना को बोलते हैं मेस अप। पाइल अप, पाइल अप मीन्स ढेर लगाना, ढेर लगाना को बोलते हैं पाइल अप। पैच अप, पैच अप मीन्स रिश्ते सुधारना। लास्ट है व्हाट ए बॉदर, क्या मुसीबत है, बोलते हैं क्या मुसीबत है, व्हाट ए बॉदर। और एक जो है आपको एडवांस मिल जाता है, एक्स्ट्रा देते हैं, गिव मी माय स्पेस, हवा आने दो। इसको क्या बोलते हैं, गिव मी माय स्पेस। लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, अगला वीडियो में मिलते हैं।